रत्नों से जो मेरे टॉपर्स हैं, 2022 की टॉपर शिवांगी चौहान जो इंग्लिश में 98 मार्क्स लेके आई थी और ग्वालियर टॉपर भी थी। दूसरी है सेजल गोयल जो 2023 की टॉपर हैं, ये 97 मार्क्स लेके आई थी इंग्लिश में। और ये दोनों मेरे रत्न हैं, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि ये फ्यूचर ऑफिसर और ये फ्यूचर इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी जगह ये पहुंचने वाले हैं। मैंने आज बुला इनको यहाँ बुलाने का एक ही पर्पज है कि जिन जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, 2 महीने बचे हैं एग्जाम के, तो इन लोगों ने अपनी इनकी जर्नी क्या रही, इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, कैसे टाइम टेबल सेट किया, कैसे अपने गोल बनाए, डेली गोल बनाए, या फिर इन्होंने एक मार्कशीट सेट कर ली थी कि मेरे को यही मार्कशीट चाहिए, जो नंबर इस समय आए हैं जिस मार्कशीट में लिखे हैं वही एग्जाम में आएंगे। एग्जाम के 2 महीने पहले इनका माइंड सेट क्या था, घबराहट हो रही थी, स्ट्रेस था, या फिर बस इन्होंने आराम से पढ़ते जा रहे थे, और इस अगर स्ट्रेस था तो उसको कैसे टैकल किया, एग्जाम के डे तक कैसे पढ़ाई करी, कैसे रिवीजन किया, और जब कॉपी हाथ में आई तो उस समय इनके थॉट्स क्या थे, कौन सा सेक्शन पहले किया। और अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हम आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं, तो क्या इनके साथ भी ऐसा ही था कि ये आगे पढ़ते जा रहे थे और पीछे भूलते जा रहे थे, या जैसे मैं कहता हूं मुझे लगता है और मैं बताता हूं बच्चों को कि आपको लगता ही है कि आप भूल रहे, बट आप भूलते नहीं हो, जब कॉपी आपके हाथ पेपर आपके हाथ में आता है तो पेपर में जो होता है वो आपको याद रह जाता है, बाकी सब भूल जाते हो। तो इनकी जर्नी क्या रही वो इनसे जानते हैं, वो ये आपको बताएंगे ताकि आप लोग भी उस हिसाब से तैयारी कर सको एग्जाम की, ठीक है। तो शिवांगी बेटा आप बताओ आपकी शुरुआत की जर्नी क्या थी, जब 12th में क्लास में आपका एडमिशन हुआ उसके बाद आपने कोई गोल बनाया, या किस तरीके से तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करी दिन में, ठीक है, स्ट्रेस था, और खासकर एग्जाम के 2 महीने पहले क्या आपकी सोच थी, थोड़ा डिटेल में बताओ मुझे। सर जब मैंने 12th में एडमिशन लिया तो मेरा ऐसा कोई खास गोल नहीं था कि मुझे इतनी परसेंटेज गेन करनी है, लेकिन हाँ मैंने डेली अपने गोल्स बनाए थे, मुझे याद इतना इतने चैप्टर करने हैं, इसमें इस सब्जेक्ट में इतना करना है, प्रॉपर हर सब्जेक्ट को टाइम दिया, ऐसा नहीं है कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म किया फिर दूसरा, नहीं प्रॉपर मतलब हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दिया। और प्लस जब स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेस तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, जैसे आपका जब सेशन स्टार्ट होता है आप तभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके पास वो बर्डन क्रिएट ही नहीं हो पाता कि एग्जाम से पहले हमें लग रहा है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर हम भूल रहे हैं। और अच्छा एक बात बताओ, जब 2 महीने रह गए थे एग्जाम के लिए तब आपने कैसे प्रिपरेशन की, उस समय क्या लग रहा था कि आपकी तैयारी पहले से थी या आपने कोई रिवीजन प्लान बनाया, 2 महीने के जब 2 महीने रह गए तब क्या था, क्योंकि अभी जाता था स्टूडेंट के लिए 2 महीने और उनको बहुत घबराहट भी हो रही है, स्ट्रेस भी आ रहा है, उनको लग रहा है आगे पढ़ रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? सर हाँ, भूलने की तो जो एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन वो है साइकोलॉजी की, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, एग्जाम से पहले लगता है कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, और जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम जब सामने आता है तो बस वही वही याद रह जाता है और हम उसी को अपना मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करके आते हैं। तो रिवीजन का तो ऐसा था कि मैंने जब एग्जाम के 2 महीने पहले रह गए तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उस समय हमें कुछ नया नहीं पढ़ना होता, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो जाता है, और ज़्यादा प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दी, जैसे मैंने अनसीन पैसेज लगाए परीक्षा बोर्ड के परीक्षा अध्ययन के, क्योंकि अनसीन पैसेज तो अनसीन और है। आप जो क्वेश्चंस वगैरह याद करते तो आप हर क्वेश्चन को लिखकर देखते होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, आप जब उनको लिखने के बाद चेक करते तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, तो अगर होती थी तो उनको कैसे ओवरकम किया? जैसे सर मेरा मतलब हर सब्जेक्ट में ही है कि मैं जब भी कुछ चीज याद करूँ तो मैं उसे लिखकर जरूर देखती थी, क्योंकि उससे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी कि हाँ अभी मेरे को याद हो चुका है, अब मतलब भूलने की थोड़ी टेंडेंसी इसमें कम है, तो और फिर उसमें मिस्टेक भी होती थी उसको इवैल्यूएट भी करती थी, घबराहट होती थी तो मैं जब एग्जाम एकदम पास में आ गए तो घबराहट होती थी। हाँ सर घबराहट मतलब डर लगता था लेकिन इतना भी नहीं कि उसे ओवरकम करना। हाँ भाई हमारी तैयारी थी तो इतना नहीं। हाँ तैयारी थी अच्छी, तो फिर बस ये था कि अब तो बस एग्जाम आ जाए जल्दी से एग्जाम हो जाए। अच्छा आप बताओ सेजल, आपने बेटा जब 12th क्लास में एडमिशन लिया तो उसके बाद आपने कोई लक्ष्य सेट किया कि भाई मेरे को इतने परसेंट लाने हैं, किस तरीके से आपका डेली शेड्यूल रहता था, कैसे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देते थे, और क्या 12th को लेकर ज्यादा कॉन्शियस थे? हाँ सर कॉन्शियसनेस तो थी क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स थे, पर ऐसा कोई गोल नहीं था मेरा कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे रोज इतना ही पढ़ना है, जितना मेरा टाइम मिलता था उतना पढ़ लेती थी। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम सेट नहीं किया था कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम ही देना है, कोई डेली गोल सेट नहीं करते थे, बस जितना टाइम मिल जाता था उतना पढ़ लेते थे। तो 2 महीने बाद 2 महीने जब रह गए थे एग्जाम के, उस समय क्या माइंडसेट था, क्या सोचते, डर लग रहा था, कैसे रिवीजन का क्या प्लान बनाया था, कोई टाइम टेबल बनाया था?
कैसे? उस टाइम तो बस यही था कि जितना मेरी प्रिपरेशन हो गई है मैं उसे बेस्ट कर लूं, लिख लिख के देख लूं जितना मुझे लर्न है, क्योंकि लिखने से एक चीजें माइंड में परमानेंटली सेट हो जाती हैं और फिर उनकी भूलने की मतलब जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। तो सारी चीजों को लिख लिख के देखा, कोई टाइम टेबल सेट किया, पढ़ने का क्या समय था, रात में ज्यादा पढ़ते थे या सुबह जग के पढ़ते थे? जैसे कई बच्चों को सवाल रहता है कि सर सुबह 4 बजे उठ के याद करो तो जल्दी याद हो जाता है, या ऐसा आपके साथ था, या आपको लगता कि आपका एक अलग ही प्राइम टाइम था कि भाई मेरे को तो इस समय, या जब मन लगता था तब पढ़ते थे? सर मैं तो सुबह के टाइम पढ़ती थी 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाता है और मैं चीजें भूलती रही हूँ। फिर कोचिंग रहती थी, उसके बाद कोचिंग से आने पर रेस्ट करते थे, फिर 3 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी और जब तक मेरा मतलब मन लग जाए 7 बजे तक 8 बजे तक तब तक मैं करती थी। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, आजकल एक बात ये भी है कि बच्चों को लगता है कि इतनी सारी कोचिंग्स हो जाती हैं, तो जब इतनी सारी कोचिंग्स हो जाती हैं तो उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? और एक चीज और जो कि तुम्हारे साथ भी शायद तुम कोई ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, पिछले साल ही एग्जाम पास किया है, जैसे क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि मोबाइल फोन बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना, रील्स देख लें, शॉर्ट्स देख लें, सोचते हैं कि 5 मिनट देख लें उसके बाद हम बैठ जाएंगे, वो 5 मिनट का आधा घंटा हो जाता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था? हाँ सर मेरे साथ भी होता था कि फोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। तो उस डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे किया? सर उसको साइलेंट में करके उसको कहीं और रख दीजिए, वरना वो डिस्टर्ब ही करता रहेगा, आपको पढ़ने नहीं देगा, आपको बार बार लगेगा कि मैं ये देख लूं, कोई नोटिफिकेशन आ गया तो चेक कर लूं कि किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। बेस्ट है उसे साइलेंट पे करके कहीं दूर रख दीजिए जिससे आपको वो डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरीके से वो टाइम टेबल क्या बनाया था आपने? 2 महीने जब रह गए थे तो कोई क्या टाइम, कोई टाइम टेबल कोई लिखकर कोई टाइम टेबल अपने अपने वॉल पर लगाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था, बस जितना टाइम मिल रहा था उसको पढ़ाई में दे रहा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि जब एग्जाम वाला एग्जाम के बीच में एक दिन का गैप होता है, जैसे इस बार भी क्या है हिंदी का एग्जाम पहले है उसके बाद फिर इंग्लिश का है, वो एक ही दिन का गैप है, तो उस एक दिन में पूरा रिवीजन कैसे करें? और चूंकि हिंदी पहले पहले है तो उसको पढ़ने में लग जाते हैं, तो किस तरीके से हम ये सिचुएशन तुमने कैसे डील करी थी कि हिंदी की भी तैयारी हो गई और फिर एक दिन में इंग्लिश का भी पूरा रिवीजन हो गया, या नहीं हो पाया, क्या हुआ? सर इंग्लिश में तो ये था कि पूरी प्रिपरेशन आपने करा दी थी, जितना हम कोचिंग पे आप लर्न करा देते अगर उतना भी हम घर जाके लिख लें उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे कभी भी पूरे थ्रू आउट ईयर कभी भी इंग्लिश को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे मैं क्लास में याद करवाता हूँ है ना, जो भी करवाता हूँ क्लास में, और एक दो क्वेश्चन ही करवाता हूँ है ना, एक दो रूल ही करवाता हूँ, तो जब मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आप क्लास इसको याद कर लो तो कई बच्चे तो ध्यान देते हैं और कई को लगता है कि ये हो पाएगा क्या, ये क्लास में थोड़ी होता है, घर जाके कर लेंगे, तो आपको क्या लगता है जब एग्जाम देके आप निपटे और आपका रिजल्ट आया तो आपको क्या लगता है वो चीज बेस्ट थी कि हम क्लास में याद कर लेते हैं, वो उस चीज ने आपको सपोर्ट किया, या फिर घर पर जाके हम क्लास में बिल्कुल भी ना पढ़े और घर जाके याद कर लें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं सर मेरे अकॉर्डिंग तो क्लास में ही लर्न कर लो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लर्न हो जाता है, क्लास में अगर आप लर्न कर लोगे तो आप घर जाके उसको लिख सकते हो, एक हाथ बार और लिख लोगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे लोगे, अगर आप क्लास का टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर घर पे जाके आपको उसी के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको लगेगा कि आपको वो चीज याद नहीं है, लेकिन जब आप क्लास से जाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ वो याद है, अगर क्लास में बैठे जाते अगर आप समझाते हैं तो फिर वो जल्दी लर्न हो जाता है क्लास में, और घर जाके वो आदत तो निकल ही जाता है कि सर ने क्या बोला था। अच्छा एक चीज और, जैसे कई बार क्या होता है कई बच्चे मेरे पास एक सवाल लेके भी आते हैं और वो कि सर आप क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं और आप, हालांकि मैं एक दिन में करवा देता हूँ एक ही क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, तो मेरा मानना है कि जब आप अच्छे से डिस्क्राइब करके कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें नंबर मिलने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है, जब हम पूरा लिखते हैं तो ज्यादा हो जाती है गुंजाइश, और अगर वही हम बहुत छोटे कम शब्दों में लिखें तो उससे नंबर कटने की गुंजाइश हो जाती है, कि 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप एक ही लाइन लिख रहे हैं तो आपको क्या, आपने जो क्वेश्चन मैंने करवाया जो आंसर वही लिखे आपने डिटेल में और आपको पूरे मार्क्स मिले हैं है ना, तो अब जब एग्जाम का जो दिन था मतलब एक दिन का जो गैप था उसमें कैसे प्रिपरेशन की, रिवीजन कैसे किया, कितने किस तरीके से देख रहे थे क्योंकि इतना सारा था, तो एक दिन में रिवीजन कैसे हुआ? सर जब हिंदी का पेपर हो गया मेरा उसके बाद में घर पे आई, फिर मैंने शाम से इंग्लिश के जो आपने पेपर्स दिए थे हमें पूरे साल वो मैंने सबसे पहले करे, उनको सबसे पहले उनकी प्रिपरेशन करी क्योंकि आपने बोला था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर जो मेरा हॉलीडे था एक दिन का उसमें फिर मैंने सोचा कि जितना मुझसे हो सकता है मैं सारा रिवाइज कर लेती हूँ, मैंने सारा रिवाइज किया, फिर रात में मैंने अनसीन देखे और राइटिंग स्किल्स देखी, बस उसी से हो गया था। अच्छा तुम्हें तो बेटा जब एक दिन का जो गैप था एक दिन का उसमें कैसे तैयारी करी थी, जैसे जो गैप होता है ना एग्जाम के बीच का, कई
एक एग्जाम हो गया उसके बाद दूसरा, तो उस तरीके से उसमें कैसे तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी की तुमने? सर उसमें मैंने ब्लूप्रिंट से तैयारी की, मैंने ब्लूप्रिंट देखा कि कितने सेक्शन में से कितने मार्क्स का आ रहा है, और जो क्वेश्चन आंसर है उन पे इतना बर्डन नहीं दिया क्योंकि वो हम थ्रू आउट द ईयर याद करते हैं, लिखते हैं उन पे, बस थोड़ा सा देख लिया कि हाँ ये थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और ये क्वेश्चन किए, और अनसीन वगैरह जो वोकैब, अनसीन में सबसे मेन जो रोल रहता है वो वोकैब का रहता है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया, परीक्षा बोध परीक्षा दिन के सारे अनसीन लगाए, और प्लस जो सी सेक्शन में जो ग्रामर होती है उसमें जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं वोड शोट कोड, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं कि कहाँ क्या आएगा, तो मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है ठीक है। एग्जाम, जब एग्जाम कॉपी आप एग्जाम देने जा रहे थे और पेपर आपके हाथ में आया, तो उस समय फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आपने कौन सा सेक्शन पहले किया, कौन सा सेक्शन बाद में किया, क्या आपको जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे जब आपने एग्जाम पेपर देखा तो सारे मिल गए थे, आप खुश हो गए एग्जाम देख के कि आपको ऐसा लगा कि सर ने जो क्लास में हमने पढ़ा वो सारे क्वेश्चन नहीं मिले हैं या सारे मिल गए थे, और फिर आपने कौन सा सेक्शन पहले किया और किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट किया? सर पहले तो मैंने सबसे पहले सेक्शन सी किया, और फिर उसके बाद सेक्शन ए किया, वो सेक्शन डी किया जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, और फिर सेक्शन बी किया ये नोटिस एप्लीकेशन वाला, और फिर उसके बाद अनसीन किए एकदम फ्री टाइम में, उनके एक घंटा लगभग बच गया था, और मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं ढाई घंटे में ही पूरा एग्जाम क्लियर कर लूँ और फिर कॉपी भी चेक कर लूँ, और कॉपी चेक करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ये ह्यूमन एरर है, हो ही जाती है कुछ ना कुछ, हम जानते हुए भी गलत कभी कभी हो जाता है, कभी कुछ छूट गया तो उसको बीच में लिख दिया, और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा एक क्वेश्चन मतलब मैं पूरा गिनती कर रही तो एक क्वेश्चन मेरा कम ही आ रहा था, तो फिर मैंने देखा कि मेरा कहाँ रह गया है क्वेश्चन, फिर मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मैं कहूंगी कि आप भी कॉपी तो बिल्कुल चेक करिए दोबारा, कि कम से कम 15 मिनट पहले एग्जाम तो खत्म करना ही करना है, हाँ, हाँ। ताकि आपको दोबारा से कॉपी पढ़ सके और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सके। आपने बेटा किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, जब आपके पास पेपर आया तो आपने पेपर देखते ही वैसे तो आपको सारा कुछ आ गया होगा, तो किस तरीके से कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया, किस तरीके से किया? पहले तो वही सेक्शन सी किया, फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर राइटिंग स्किल और फिर अनसीन। कितने घंटे में पेपर कंप्लीट कर लिया था आपने? सर राइटिंग स्किल्स तक तो मेरा 2 घंटे में हो गया था, जब अनसीन आए तो मेरे पास पूरा 1 घंटा था, तो मैंने अनसीन फिर मेरे 20 मिनट में हो गए थे जितने भी अनसीन। तो आप दोनों की बात से ये लगता है कि सबसे पहले हमको सी सेक्शन करना चाहिए, जो कि मैं क्लास में भी बताता रहता हूँ, ठीक है, उसके बाद डी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करने चाहिए और फिर जाके अनसीन लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि अनसीन एक ऐसी चीज है जो अंश के बाद ही है कि अनसीन है, तो जब हम फ्री माइंड होते हैं तो उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, और उसके बाद जब उसे करने के बाद लास्ट में शायद हमें नोट मेकिंग करी होगी तुम लोगों ने ना, लास्ट में नोट मेकिंग, क्योंकि नोट मेकिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी पैराग्राफ आ सकता है ना, और उसके बाद 15 मिनट आप लोग को कम से कम, आपको आधा घंटा बचा, आपको 15-20 मिनट तो बचे ही, जिसमें आप लोगों ने दोबारा कॉपी चेक की और उस तरीके से पेपर कंप्लीट करके आप लोग आए। तो सबसे बड़े आपके हिसाब से लगता है कि हमको साल भर जो क्लास में हमने पढ़ा है उसको 2 महीने जब रह जाते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से तैयार करना चाहिए, मतलब उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो याद हो उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि जब कॉपी हाथ पेपर हाथ में आया तो आप भूल गए हो सब कुछ, जैसे बच्चे कहते हैं कि हम भूल जाते हैं और डर लग रहा है भूल जाएंगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, या फिर एक केवल एक मिथ ही है, हमको लगता ही है कि हम भूल रहे हैं बट एक्चुअल में हम भूलते नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप भूले थे क्या आप लोग? नो सर ऐसा कुछ नहीं होता। सर ऐसा तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन आंसर भी आए तो बिल्कुल हाँ एक स्टोरी टाइप की क्रिएट हो गई कि हाँ ये इसका ये लिखना है, क्योंकि पहले से हम मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं, आपने कोचिंग में मॉक टेस्ट लिए थे। बिल्कुल, तो ये जो हम जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, जो मैं टेस्ट सीरीज लेता हूँ, जो आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न पर ही पेपर बना के देता हूँ, 3-3 घंटे के पेपर लेता हूँ, कॉपियां देता हूँ, ये आपको हेल्पफुल हुई हूँ तब जाके? हाँ सर, जैसे मैं अभी बच्चों से जो अभी पढ़ रहे हैं उनको मैं बताता रहता हूँ कि ये पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जो टेस्ट पेपर लेते हैं वो ऐसे नहीं ले लेते हैं, हम टेस्ट पेपर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे लेते हैं, ताकि आप बोर्ड देने से पहले 10 बोर्ड यहाँ दे चुको, तो ये इस चीज ने आप लोगों को हेल्प किया? हाँ सर, इससे टाइम मैनेजमेंट भी आया कि हमें कैसे लिखना है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसको कितने लाइन से लिखना है, एक पेज में आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं, तो उससे बहुत रफ आइडिया मिल जाता है, तो बस एग्जाम में जाके हमें उन चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो बहुत ही फायदेमंद। बहुत बढ़िया, तो अब जो बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे, क्या उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई टिप्स बताना चाहोगे कि भाई ऐसे करो तो फिर आप भी टॉपर बन सकते हो? हाँ, सबसे पहले मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये तो इंग्लिश है इसमें तो बना के लिख देंगे, और अरे ये तो ग्रामर ही तो 10th में ही पढ़ी है, तो ऐसे मिथ मेरे को भी मतलब बहुत सुनने में मिली थी, तो बना के आप जरूर लिख सकते हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल क्रैमिंग करनी है, लेकिन आप अगर पहले से पढ़ के जाते हैं तो आप उसको बेटर से
बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वहाँ पे लिख पाते हैं। और बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन मतलब बहुत ही अलग चीज़ है। अगर आप नॉलेज इतनी मैटर नहीं कर रही, आपको नॉलेज थोड़ी कम है तो वो चलेगा, लेकिन आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो स्ट्रेस को कैसे, जो घबराहट हो रही है उसको कैसे दूर करें, किस चीज को फोकस करें इस समय, ये दुनिया पिछला सब कुछ भूल के केवल ये लग जाए कि भाई अब जितना समय है उसको यूटिलाइज कर लें, पहले के जो पढ़ा उसको पक्का कर लें और उसके बाद आगे की पढ़ने की सोचें, ये मत सोचें कि मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी, उस चीज को स्ट्रेस ना लें, यही कहना चाहेंगे। हाँ सर बिल्कुल, स्ट्रेस तो नहीं ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें सब याद सब होता है, बस एग्जाम में जाके सब याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये तो पहले कर रखा है। कुछ बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो पहले हमने पहले से लगाए होते हैं, तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। आप क्या कहना चाहोगे बेटा, इस साल जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से तैयारी करें बोलो? सर कुछ नहीं, बस जितना अगर आपकी प्रिपरेशन जितनी हो गई है बस उसी पे फोकस करें, उसी को रिवाइज करें, लिख लिख के देखें जिससे आप भूले ना, बस लिख लिख के देखें सीखते हैं ना, और अपना जो कर लिया है उसको रिवाइज करें, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कहते ना कि सोच जितनी गहरी होती है इरादे उतने कमजोर हो जाते हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, है ना, जो वर्तमान में जीना शुरू करना है, जो हाथ में है उसको समेटना है और मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो देखो आप लोगों ने जाना कि इन लोगों ने भी किस तरीके से तैयारी करी, किस तरीके से एग्जाम दिया, और जब ये एग्जाम देने गए तो इनको जब पेपर हाथ में आया तो इनको सब कुछ याद था, मतलब जो हम क्लास में पढ़ते हैं एग्जाम उसी से आता है ना। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके भी 98, 99 और 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, बस बात इतनी सी है कि क्या आप उसको सोचते हैं, क्या आप उस तरीके से मेहनत करते हैं, बस मेहनत करते जाइए, चलते जाइए, है ना, अगर आप चलते जाएंगे तो डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। और रही बात स्ट्रेस की, तो देखिए एग्जाम का स्ट्रेस होना तो स्वाभाविक है, सभी को होता है, आप ही नहीं, बड़े से बड़े विद्वान को भी बोल दिया जाए कि तुम्हारी परीक्षा है तो वो भी घबराने लग जाएगा और पूछने लग जाएगा कि भैया कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा आइडिया तो दे दो, किस सब्जेक्ट से पूछोगे, कहाँ से पूछोगे। तो परीक्षा तो नाम ही, परीक्षा के तो नाम में डर होता है, लेकिन डरना नहीं है। और दूसरी चीज क्या होता है, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि परीक्षा ना जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, परीक्षा इसलिए होती है ताकि ये जाना जा सके कि आपको जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया था, जो सिलेबस दिया गया था, वो आपने पूरा पढ़ लिया हो तो आपको नेक्स्ट लेवल पर भेज दिया जाए। परीक्षा कभी भी आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करती, एक परीक्षा से कभी आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं हो सकती, तो इसलिए इस चीज को लेकर ज्यादा घबराना नहीं है, जिंदगी है इसलिए परीक्षा है, परीक्षा है इसलिए जिंदगी नहीं है, है ना, परीक्षा जिंदगी के लिए नहीं बनी, जिंदगी के लिए परीक्षा बनी है, जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं बनी है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज जरूर करिए कि जिंदगी में ईमानदार जरूर बनिए, आप ईमानदार रहिए कि आपको अपने आप में ये विश्वास होना चाहिए कि आप जितना पढ़ सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, उतनी आप कर रहे हो, मतलब आप खुद से बेईमानी ना कर रहे हो, आपका मन आपकी अंतरात्मा ना बोल रही हो कि आप बेईमानी कर रहे हो, जो टाइम आप दे सकते हो वो आप नहीं दे रहे हो, आपको वो टाइम पूरा देना चाहिए। अगर आप वो टाइम दे रहे हो, आपको लगता है कि जितना टाइम आप दे सकते हो वो आप दे रहे हो, तो आप पक्का मानिएगा आप सही रास्ते पे हो, एक बेहतर रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हो। हाँ अपने मन में ये नहीं होना चाहिए कि अपनी आत्मा, अगर हमारी आत्मा हमसे बोल रही है कि हम कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, हम बहाने बना रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये कठिन है, ये हमसे याद नहीं हो रहा, पर मैं आपको बता दूं, देखो दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं होती है ना, बात इतनी सी होती है कि जब हम उस चीज से बचना चाहते हैं या हम खुद को तसल्ली देना चाहते हैं कि हम तो एक प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये सब्जेक्ट ही कठिन है इसलिए हमसे नहीं हो रहा, हम भूल जाते हैं, हम भूल गए, ये सारी बातें पता क्या है, ये सारी बातें बहाने हैं जो हम किसी दूसरे को नहीं बता रहे होते हैं, अपने टीचर को नहीं बना रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बना, एक्चुअली ये बहाने हम खुद से बना रहे होते हैं, क्योंकि हम वी हैव अ नोबल सोल, हम सबके अंदर एक बड़ी पवित्र अंतरात्मा है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, वो आत्मा तो हमें बताती है, हम दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, दूसरे से झूठ भी बोल सकते हैं, टीचर से कह सकते हैं कि साहब हम तो करते हैं पर होता नहीं है, या हम यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, हमारा टाइम यहाँ वेस्ट हो गया था, लेकिन हम जानते हैं कि हम अपने साथ तो 24 घंटे थे, तो हमको पता होता है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं और कौन सा टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी आत्मा को तसल्ली देने के लिए बहुत सारे बहाने लेके आते हैं, लेकिन याद रखिएगा बहानों से सफलता नहीं पाई जाती है, बहाने तो केवल एक रुकावट है, अपने मन को तसल्ली आप जरूर दे लोगे लेकिन एग्जाम कॉपी में तो आपको लिखना पड़ेगा, और जब आपका 12th का रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा तभी आप मोटिवेटेड होगे आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, अगर आपका यही मोरल डाउन हो गया तो इसलिए मेहनत करनी है, जी जान लगा के। देखिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है,
वो कहते हैं ना हमारे हाथ में हमारा कर्म है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा, कर्म ही है। सो कर्म आपके हाथ में है, लग जाइए। देखिए हजार बहाने होंगे, हजार बातें कारण होंगे आपके पास पढ़ाई ना करने के लिए, लेकिन एक कारण तो आप ढूंढ ही सकते हो पढ़ाई करने के लिए। अरे आप अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ लीजिए, किसी के लिए भी कैसे भी करके, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने। आपके सामने दो टॉपर बैठे हुए हैं और ये ऐसे इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर भी स्कोर किए जा सकते हैं, जो मैंने इनसे कहा वो इन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो आप भी कर सकते हो, अगले साल मैं आपका इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी कर सकते हो, आप भी टॉपर बन सकते हो। और इस ये जो मोरल है, ये जो फ्यूल मिलेगा आपको एक बेहतर रिजल्ट का, वो फ्यूल आपको आगे ले जाएगा, आगे की जर्नी में काम आएगा, है ना। देखिए अभी तो क्या है, दीज आर फॉर्मेटिव इयर्स, ये आपके निर्माण का वक्त है, और इस निर्माण के वक्त में अगर आपने अच्छे से निर्माण कर लिया तो आगे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और नहीं तो फिर जिंदगी संघर्षों में ही बीतेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको लगता है कि आप रात में पढ़ सकते हैं रात में पढ़िए, सुबह पढ़ सकते हैं सुबह पढ़िए, टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल जैसे शिवांगी ने डेली गोल्स बनाए, इन्होंने छोटे छोटे गोल्स बना के डेली ये देखती थी कि मेरा डेली का गोल पूरा होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर का नहीं सोचती थी। अब जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़ते कम है, एक लाइन पढ़ के आप पन्ने पलटने लगते हैं कि और कितना बचा है, इससे क्या होता है कि आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो आप अदूर का मत सोचिए, सामने जो है ये क्वेश्चन सामने है, इसको करो फिर अगला फिर अगला फिर अगला, ये मत सोचो कि अभी पहले क्वेश्चन पे हो और आप सीधा 20वें आंसर के बारे में 20वें क्वेश्चन के बारे में सोचने लग जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। अरे ये तो ये अगर आपको कितनी भी भूख लग रही हो, आपके सामने रोटियों का इतना ढेर लगा दिया जाए, आपकी ऑटोमेटिकली भूख मर जाएगी, खाने का मन नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा दूर का मत सोचिए, जस्ट एक एक क्वेश्चन को एक एक कदम चलते जाइए, है ना। एक एक कदम अगर आप चलते गए तो आप पक्का मान लीजिए कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, है ना। एक बार होता क्या है कि एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर होता है, वहां एक लड़का रहता है, वो उस मंदिर में कभी नहीं गया था, मैं आप लोग भी सुने, वो उस मंदिर में कभी नहीं गया था। अब उसको था कि कभी जाए, अब एक दिन रात को उसे एक सपना आया कि वो मर गया, तो उसे लगा कि अरे यार मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे जाना चाहिए वो मंदिर में, दुनिया में घुमाया वहां नहीं गया। तो वो रात को 3 बजे निकल पड़ा। अब जैसे वो निकला उसके बाद टॉर्च थी, बहुत ज्यादा कोहरा था और अंधेरा भी था, तो टॉर्च में उतना ज्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो वो बैठ गया कि सुबह हो जाएगी तब जाऊंगा। तो एक जगह वो रुक जाता है, बैठ जाता है एक बेंच पर, तभी वहां से एक बाबा निकलते हैं, एक बुजुर्ग निकलते हैं जिनके हाथ में दिया था और वो आगे बढ़ रहे थे। तो उसने पूछा कि बाबा इतनी रात को कहाँ जा रहे, तो बोले कि मैं मंदिर जा रहा हूँ दिया रखने के लिए। उन्होंने कहा, उसने कहा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं तो मेरे पास तो टॉर्च है, आपके पास तो केवल दिया ही है, ये आप दिया से कितना देखेगा एक कदम का। तो पता है बाबा ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बेटा एक एक कदम तो देखना है, एक ही कदम तो चलना है, एक कदम रखोगे उसके बाद अगला एक है, फिर अगला एक है, अरे एक ही कदम तो देखना है, वहां तक देखना ही नहीं है, तो बस एक एक कदम देखते चलिए, एक ही कदम तो चलना है, इतना क्यों कि हजार कदम की यात्रा क्यों सोच रहे हो यार, एक ही कदम चलना है। तो अगर एक कदम चल गए तो अगला फिर कदम देखने लगेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और खूब तरक्की करो, मेरा यही आशीर्वाद है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये फ्यूचर ऑफिसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये फ्यूचर इंजीनियर हैं, है ना। जब ये ऑफिसर बन जाएंगे फिर मैं इन्हें बुलाऊंगा, और जब ये इंजीनियर बन जाएंगे फिर इन दोनों को बुला के इनके इंटरव्यू लूंगा और इनकी आगे की जर्नी जानेंगे, ठीक है। तो अब बस तैयारी में लग जाइए, डरना नहीं है, हिम्मत करके लग जाइए ना, किसी ने क्या खूब कहा है ना कि कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही दिल से लड़ा नहीं। तो दिल से लड़ना शुरू कर दीजिए, और ये तो शुरुआत है, 12वीं तो शुरुआत है। कहते ना कि पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अरे अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो आसमान की उड़ान बाकी है, तो अभी तो खुला आसमान पड़ा है यार, तुमको उड़ना है, अपने पंखों को मजबूत करो, ये समय तो